हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका। आज की जो ये स्टोरी है ये एक बहुत ही ज्यादा क्रीपी स्टोरी है और एक इस तरह की स्टोरी है जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी भी नहीं सुना होगा। अपने आप में ये कहानी सच में बहुत ज्यादा ट्विस्टेड है। आपका कोई भी सस्पेंस खराब ना करते हुए हम सीधे चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। ये कहानी है या ये केस है लैरी मैकलॉ का, जिसका जन्म हुआ था 1964 में और इसकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ किसी को भी पता नहीं है। ये बहुत ज्यादा अनोइंग है कि इसके बचपन के बारे में कुछ खास जानकारी मौजूद नहीं है, यानी कि लैरी का जो बैकग्राउंड है वो एक कंप्लीट मिस्ट्री है। उसका बचपन कैसा भी था इसकी कोई जानकारी नहीं है। हमें सारी जानकारी तब से है जब लैरी की उम्र थी 23 ईयर्स। जब लैरी 23 ईयर्स ओल्ड था तब उसकी दो बेटियां थी। उसकी बेटियों के नाम थे एना और अमेंडा। एना और अमेंडा की माँ के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है कि वो कौन थी और कहाँ रहती थी, लेकिन ये चीज क्लियर है कि ये इन तीनों के साथ नहीं रहती थी। वो लैरी को छोड़कर शायद जा चुकी थी। तो फिलहाल ये दोनों बेटियां यानी कि एना और अमेंडा अपने पिता लैरी के साथ रहा करती थी, लेकिन एना और अमेंडा के चाइल्डहुड के बारे में भी कुछ खास जानकारी नहीं है। हमें सिर्फ इतनी जानकारी है कि इन दोनों ही लड़कियों का यानी कि एना और अमेंडा का अपने ही पिता के द्वारा यौन शोषण किया जा रहा था और ये बहुत ही कम उम्र में शुरू हो गया था। जब इसकी बड़ी वाली बेटी एना करीब 10 ईयर्स ओल्ड थी तब ये सारी जानकारी दुनिया के सामने आ गई थी। तो यानी कि बहुत कम उम्र से ही इनका सेक्सुअल अब्यूज चल रहा था। हमें इस अब्यूज के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं है, बस मैं ये कह सकती हूँ कि ये उतना ही बुरा था जितना कोई सेक्सुअल अब्यूज हो सकता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब जो लैरी था उसको फाइनली पुलिस ने पकड़ लिया था। जब लैरी को पुलिस ने पकड़ा था तब करीब एना 10 ईयर्स ओल्ड थी और छोटी बेटी अमेंडा की उम्र करीब 9 ईयर्स थी। इस बात की भी कोई जानकारी नहीं है कि अथॉरिटीज को इस अब्यूज के बारे में पता कैसे चला। हालांकि यही माना जाता है कि इन्हीं दोनों में से किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया होगा, अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया होगा और इसी कारण से लैरी पकड़ा गया होगा। लैरी को गिरफ्तार करने के बाद उसका नाम सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर में डाल दिया गया और उसके बाद उसको जेल भेज दिया गया 17 ईयर्स के लिए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी माँ के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी, अथॉरिटीज को भी पता नहीं होगा, इसीलिए फाइनली एना और अमेंडा को फॉस्टर केयर सिस्टम में भेज दिया गया। इन दोनों ही लड़कियों के नए पेरेंट्स थे एलन और ग्वेन। ये दोनों ही काफी अच्छे लोग थे। इन्होंने दोनों ही लड़कियों की देखभाल काफी अच्छी तरीके से की। इनको अच्छा एनवायरमेंट मिला, अच्छा घर मिला और फाइनली ये दोनों लड़कियां हाई स्कूल तक पहुंच गई। ये दोनों अपनी जिंदगी में काफी अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही थी, लेकिन धीरे धीरे इनके बीच में थोड़ा सा विवाद रहने लगा। जो मेन रीजन था इनके बीच की टेंशन का वो ये था कि एना को हमेशा लगता था कि अमेंडा उसके नए पेरेंट्स की फेवरेट चाइल्ड है। हमेशा अमेंडा को यानी कि छोटी बेटी को अच्छी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। एना को लगता था कि अमेंडा की ज्यादा तारीफ की जाती है, उसको ज्यादा अटेंशन मिलती है और ऐसा तब भी होता था जब ये अपने क्रीपी मॉन्स्टर पिता लैरी के साथ रहा करते थे। लैरी भी हमेशा अमेंडा को ही ज्यादा फेवर करता था और अब इनके जो नए पेरेंट्स हैं वो भी हमेशा अमेंडा की ही साइड लेते हैं, ऐसा एना को लगता था। अब ऐसा लगने के कारण इनके बीच में काफी टेंशन रहने लगी। धीरे धीरे जो एना थी वो कहीं ना कहीं अमेंडा से नफरत करने लगी कि अमेंडा को ही सब ज्यादा प्यार करते हैं। अब लगातार ये लोग आपस में बहस करते रहते थे, इनके लड़ाई झगड़े होते रहते थे और इनके बीच में दूरियां बढ़ती जा रही थी। इधर जो छोटी बहन थी यानी कि अमेंडा, उसके मन में भी अपनी बड़ी बहन एना के प्रति गुस्सा बढ़ता जा रहा था, नफरत बढ़ती जा रही थी और वो हमेशा एना को ब्लेम करती थी हर चीज के लिए। वो कहती थी कि तुमने हमारे पिता लैरी पर बेकार में ही इल्जाम लगाया, हमारे अब्यूज का ऐसा कुछ भी नहीं था, तुम्हारे कारण ही डैड को जेल जाना पड़ा और इसी कारण से हमें फॉस्टर केयर होम में रहना पड़ रहा है। तो यानी कि वो एना से इन सारी चीजों के लिए भी झगड़ रही थी, जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल बेसलेस था। उसकी बातों से ऐसा लगता है कि शायद एना ने ही अथॉरिटीज के पास जाकर कंप्लेंट की थी अपने पिता की और इसी कारण से उसका पिता पकड़ा गया था। अब जब भी इनके बीच में लड़ाई होती थी तो अमेंडा एना के ऊपर चिल्लाने लगती थी, कहती थी कि मुझे अपने डैड वापस चाहिए, वो इनोसेंट थे, उन्होंने तो हमारे साथ कुछ भी नहीं किया था और तुम जितना भी असॉल्ट हुआ था उसके बारे में झूठ बोल रही हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि अमेंडा अभी तक टीनेजर हो चुकी थी, उसके अब्यूज को कई साल गुजर चुके थे, तो कहीं ना कहीं उसके ब्रेन ने एक डिफेंस मैकेनिज्म
अपने आप ही बना लिया था ताकि उसकी जितनी भी ये खराब मेमोरीज हैं वो ब्लैकआउट हो जाएं। इसके अलावा स्टॉकहोम सिंड्रोम भी ऐसी कंडीशंस में कई बार काम करता है। कई बार हमारा जो दिमाग है वो अपने अब्यूजर के साथ सिंपैथी करने लगता है, वो उसी अब्यूजर को ही सही समझने लगता है। और शायद यही सब कुछ हो रहा था अमेंडा के साथ। अब इन दोनों बहनों की बिल्कुल भी आपस में नहीं बनती थी, इनके रिलेशनशिप बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे और हाई स्कूल पूरा करने के बाद ये लोग अलग अलग रास्तों पर चली गई। जो ऐना थी उसको ज्यादा सेंसिबल माना जाता था, उसने बहुत ज्यादा मेहनत की, उसने एक नर्सिंग स्कूल ज्वाइन किया, एक क्वालिफाइड नर्स बनी, उसको हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एक अच्छी नर्स की जॉब भी मिल गई। वो अपने पेरेंट्स के घर से अब बाहर निकल चुकी थी, एक डिफरेंट स्टेट में मूव कर गई थी। वहां जाकर वो एक लड़के से मिली, उससे उसने शादी की, इसके बच्चे हो गए थे और उसने अपनी एक फैमिली की शुरुआत कर दी थी। लेकिन जो अमेंडा थी वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट रास्ते पर चली गई थी। उसको काफी ट्रबलसम माना जाता था शुरू से ही। अमेंडा अपना हाई स्कूल पूरा करने के बाद, जबकि अभी वो टीनेजर ही थी, तब वो घर से भाग गई थी। उसने कई सारे दिन सड़कों पर रहते हुए बिताए, वो गलत लोगों से मिलने लगी थी, वो ड्रग्स लेने लगी थी और मैथ की एडिक्ट बन चुकी थी। इसके बाद वो क्राइम की दुनिया में भी एंटर कर चुकी थी, उसने एक बाइकर गैंग ज्वाइन कर लिया था। इसके अलावा वो ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट करने लगी थी। इन सारे कारणों से उसे कई बार जेल में जाना पड़ा था, वो बार बार जेल जाती थी, उससे बाहर आती थी। इस तरह से उसका एक अच्छा खासा क्रिमिनल रिकॉर्ड बन चुका था जो कि करीब 32 पेजेस लंबा था। अब ये जो दोनों बहनें थी वो अलग अलग रास्तों पर चल रही थी, लेकिन कई सालों से इन्होंने आपस में कॉन्टेक्ट नहीं किया था, जिसकी दोनों को ही परवाह नहीं थी क्योंकि दोनों की आपस में बनती नहीं थी। अब एक बार फिर से ये दोनों कनेक्ट होने वाली थी और ये जो इनका कनेक्शन होने वाला था ये एक बार फिर से बहुत ज्यादा ट्रबलसम होने वाला था। एक बार ऐना किसी काम के सिलसिले में मिनीसोटा गई, जहां पर आजकल अमेंडा रह रही थी। अब उसने सोचा, यानी ऐना ने सोचा कि बहुत सालों से मेरे अपनी बहन के साथ कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है, उसने सोचा कि मुझे अमेंडा से मिलना चाहिए, हो सकता है कि इतने सालों के बाद हमारे रिलेशनशिप थोड़े से ठीक हो जाए। वो अमेंडा से मिलने के लिए गई। जब वो अमेंडा के घर गई तो अमेंडा ने उसको एक ड्रिंक ऑफर किया जिसमें कोई भी बुराई नहीं थी। ऐना ने वो ड्रिंक लिया और उसको पी लिया, लेकिन ड्रिंक लेते ही वो बहुत ज्यादा ड्राउजी हो गई, सब कुछ उसकी आंखों के सामने से ब्लैकआउट हो गया और वो बेहोश हो गई। अगले 5 दिनों तक ऐना को कुछ भी याद नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ। जब वो 5 दिनों के बाद उठी तो उसने पाया कि वो कंप्लीटली नेकेड थी और उसके आसपास 6 आदमी थे जो कि कंप्लीटली नेकेड थे। अब वो समझ चुकी थी कि उसके साथ क्या हुआ होगा। वो समझ चुकी थी कि जिस समय वो बेहोश थी उस समय उसके साथ लगातार असॉल्ट हो रहा था। फिलहाल वो वहां से उठी और किसी तरीके से वहां से बाहर निकलने में कामयाब रही। वो समझ चुकी थी कि उसकी बहन ने उसके ड्रिंक को स्पाइक किया था, उसमें कुछ मिलाया था और उसके बाद शायद उसकी बॉडी को सेल कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि शायद अमेंडा के ऊपर कुछ कर्ज रहे होंगे, उनको चुकाने के लिए उसने इस तरह का काम किया होगा, या हो सकता है कि उसको ड्रग्स के लिए पैसों की जरूरत हो और उसके लिए उसने अपनी बहन की बॉडी को ही यूज किया। फिलहाल रीजन जो भी हो, लेकिन अमेंडा ने ऐना के साथ इतना बड़ा क्राइम कर दिया था। हालांकि ऐना ने इस घटना की कोई भी रिपोर्ट नहीं की, उसने इसके बाद कई सालों तक अपनी बहन के साथ कॉन्टेक्ट नहीं किया और ना ही अमेंडा ने ऐना के साथ कोई भी कॉन्टेक्ट किया। फिर कुछ साल बीत गए, अमेंडा लगातार अपनी क्राइम की जिंदगी में आगे बढ़ती जा रही थी। इसी जर्नी के दौरान वो एक आदमी से मिलती है जिसका नाम था जॉन मैकग्वायर, जो कि इस केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अगर हम जॉन की बात करें तो उसका जन्म हुआ था 1980 में और वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था। उसने अपनी जिंदगी की एक अच्छी शुरुआत की थी। वो अपने लेट टीनेज ईयर्स में एक महिला से मिला था जिसका नाम था एंजेला। इन दोनों ने आपस में शादी की और इनके 4 बच्चे हुए। जॉन के बारे में बताया जाता है कि वो एक बहुत ही बड़े दिल का व्यक्ति था। उसने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी अपने बच्चों के प्रति डिवोट कर रखी थी। वो एक फैमिली मैन था, उसको अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार था। इसके अलावा बाकी लोगों के प्रति भी उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। वो बहुत ही कैरिज्मेटिक था और उसके बहुत सारे दोस्त थे। लेकिन जैसे जैसे जॉन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा, उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसका अपनी पत्नी से तलाक हो गया, ये दोनों अलग हो गए और धीरे धीरे ये ड्रग्स का एडिक्ट हो गया। अब क्या रीजंस थे इनकी शादी टूटने के पीछे, क्या था ये तो पता नहीं है, लेकिन फिलहाल इसकी शादी टूट चुकी थी और ये अच्छी खासी ड्रग्स लेने लगा था।
इसके अलावा इसने क्राइम की दुनिया में भी एंटर कर लिया था, उसने एक बाइकर गैंग ज्वाइन कर लिया था, और इन सारी चीजों के कारण इसके अपने बच्चों के साथ भी संबंध खराब हो गए थे। हालांकि ये अभी भी एक अच्छा पिता बनने की कोशिश कर रहा था, वो लगातार अपने बच्चों से मिलता था, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी फैमिली से दूर होती जा रही थी। जब जॉन अपने मिड 30s में था तो वो अपनी जिंदगी एक बार फिर से बदलना चाहता था, वो क्राइम की दुनिया से बाहर निकलना चाह रहा था, किसी गैंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, और इसके लिए उसको सबसे पहले ड्रग्स की आदत छोड़नी होती। तो उसने सपोर्ट ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए। सपोर्ट ग्रुप्स इस तरह के ग्रुप्स होते हैं, जनरली ये फॉरेन में ही ज्यादा पॉपुलर हैं कि वहां पर ग्रुप्स बना दिए जाते हैं ऐसे लोगों के जिनके साथ एक जैसी प्रॉब्लम्स हैं। ये लोग आपस में मिलते हैं, अपनी अपनी समस्या एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और सॉल्यूशंस भी निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की मीटिंग से अटेंड करने लगा था, और इसी तरीके की एक मीटिंग में ये एक फेलो रिकवरिंग एडिक्ट से मिला एक महिला से, और ये महिला और कोई नहीं बल्कि अमेंडा थी। अमेंडा और जॉन में तुरंत ही दोस्ती हो गई, ये आपस में मिलने लगे, एक रिलेशनशिप में एंटर हो गए, और इनकी रिलेशनशिप काफी सीरियस होती जा रही थी। ये सारा समय एक दूसरे के साथ ही बिताते थे, और ये भी बताया जाता है कि शायद इन्होंने इंगेजमेंट भी कर ली थी। इसके बाद 2018 का एंड आ गया। 2018 का एंड आते आते तक एना और अमेंडा को आपस में बात किए हुए करीब 10 ईयर्स हो चुके थे, और इसी समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई, और ये घटना ये थी कि इनके जो क्रीपी फादर थे यानी कि लैरी मैकलॉ, अब वो जेल से बाहर आ चुका था। जेल के अंदर रहकर शायद वो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा था। अब उसकी ये कोशिश कितनी कामयाब हुई ये आपको कहानी में आगे पता चली जाएगा, लेकिन उसने जेल में रहकर पढ़ाई की, अपनी एजुकेशन आगे बढ़ाई, उसने एक पैरा लीगल बनने की ट्रेनिंग ली, और जेल में अपना व्यवहार भी ठीक रखा। लेकिन इन करीब 2 दशकों में उसने कभी भी अपनी बेटियों से कांटेक्ट नहीं किया था, कभी भी उनको सॉरी बोलने के लिए भी फोन नहीं किया था, जैसे कि उसका अपने बेटियों से कोई भी लेना देना ना हो। अब 2018 के एंड में लैरी जेल से बाहर आ चुका था। जेल से बाहर आने के बाद वो एक छोटे से टाउन की तरफ गया जिसका नाम था स्काई गस्टी, और वहां पर जंगलों के बीच में एक छोटी सी जगह पर उसने अपना एक छोटा सा घर बनाने की कोशिश की। इसको घर ना कहकर हम एक केबिन कह सकते हैं। जब ये वहां पर गया तो इसको कोई भी जॉब नहीं मिली क्योंकि इसका अच्छा खासा क्रिमिनल रिकॉर्ड था, लेकिन लैरी को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उसके दिमाग में तो बस एक ही बात चल रही थी, और वो ये कि उसको अपनी दोनों बेटियों से कॉन्टेक्ट करना था। अब इसमें कुछ भी अबनॉर्मल नहीं है कि एक पिता अपनी बेटियों से मिलने की कोशिश करे, लेकिन यहां पर याद रखना पड़ेगा कि उसने इन दोनों बेटियों को असॉल्ट किया था, और ये एक बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं ट्विस्टेड रिलेशनशिप बन चुका था, बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। तो ये लगातार अपनी बेटियों को रिक्वेस्ट भेज रहा था कि उससे मिलने आए, लेकिन ये दोनों ही बेटियां लगातार इसको इग्नोर कर रही थी, उसकी रिक्वेस्ट को इग्नोर कर रही थी। लेकिन फाइनली जो बड़ी बेटी थी यानी कि एना, वो एग्री हो गई अपने पिता से मिलने के लिए। अब पता नहीं वो क्यों एग्री हुई, और आगे चलकर बहुत सारी ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी जिसमें आपको सुनकर लगेगा कि पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। उन सारी चीजों के एक्सप्लेनेशंस हैं ही नहीं। तो इसी तरीके की ये भी एक घटना थी कि एना अपने पिता से मिलने के लिए, उसको विजिट करने के लिए राजी हो गई, जो कि उसने पता नहीं क्यों किया। शायद वो ऐसा अगर ना करती तो आगे इस केस में जो कुछ होने वाला था वो कभी भी ना होता। एना की अच्छी खासी एक जॉब थी, उसका एक हस्बैंड था, उसके बच्चे थे, वो अपनी जिंदगी में अच्छी तरीके से रह रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो अपने पिता के पास पहुंच गई, और अपने पिता के साथ वो काफी समय तक अब रहने वाली थी। अपने पिता के साथ रहने के लिए वो अपने बच्चे, अपनी फैमिली, अपनी जॉब सबको पीछे छोड़कर आ गई थी। एना ने बाद में बताया कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि लोग कई बार चेंज हो जाते हैं और लोगों को हमेशा एक सेकंड चांस मिलना चाहिए, और यही चेंज वो अपने पिता में देखना चाहती थी। जब एना अपने पिता लैरी के पास पहुंची तो शुरुआत में सब कुछ बहुत बढ़िया था, उसका पिता एक चेंज्ड पर्सन लग रहा था, इन दोनों के बीच में अच्छा खासा बॉन्ड बन चुका था। एना ने लैरी को सब कुछ बताया अपनी जिंदगी के बारे में कि बचपन से उसका अभी तक का जीवन कैसे बीता है, उसकी फैमिली कैसी है, जॉब कैसी है। इधर जो लैरी था वो अच्छी तरीके से सारी बातें सुनता था, एक अच्छे पिता की तरह बिहेव कर रहा था। उसने अप्रोप्रिएट बेटी के साथ कुछ भी इनअप्रोप्रिएट नहीं किया था, सब कुछ एक बिल्कुल नॉर्मल फादर डॉटर रिलेशनशिप की तरह ही चल रहा था। एना को सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं डाउट था कि उसका पिता उसके साथ कुछ गलत कर सकता है,
क्योंकि पहले भी उसके पिता ने उसके साथ गलत किया था। लेकिन फिलहाल एना लैरी के साथ रह रही है, और जो लैरी है वो लगातार अपनी छोटी बेटी यानी कि एमेंडा से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एमेंडा अपनी बात पर अड़ी हुई थी, उसने साफ साफ मना कर दिया था कि मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। इधर जो एमेंडा का ड्रग एडिक्शन था वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था, वो बहुत बड़ी मात्रा में मेथ लेने लगी थी। फिर एक दिन एमेंडा और जॉन ने डिसाइड किया कि वो एक रोड ट्रिप पर जाएंगे। आपको याद ही होगा कि एमेंडा का बॉयफ्रेंड था जॉन, जिसका अपनी वाइफ से तलाक हो चुका था। तो फिलहाल ये एक रोड ट्रिप पर जाने वाले थे, जो कि असल में एक रोड ट्रिप ना होकर एक होम विजिट थी। और ये दोनों जॉन की माँ से मिलने उनके घर जाने वाले थे, क्योंकि जॉन की माँ काफी बीमार थी। जॉन अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा क्लोज था और उसे पता था कि उसकी माँ को अभी उसकी जरूरत है। जॉन की माँ उस समय बहुत ज्यादा कैंसर से जूझ रही थी और जॉन उनसे मिलना चाहता था, तो इन लोगों ने प्लान्स बनाए। इन दोनों के पास ही पैसा नहीं था, बिल्कुल भी पैसा नहीं था, तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये लोग बाय रोड जाएंगे, यानी कि खुद ही गाड़ी चलाकर जाएंगे। अब जो जॉन की माँ थी वो एलेबामा में रहती थी और ये लोग मिनीसोटा में थे, तो इन लोगों को करीब 20 आवर्स लॉन्ग ड्राइविंग करनी थी। और इनकी जो गाड़ी थी जिससे ड्राइव करने वाले थे वो बहुत ज्यादा पुरानी थी और उसकी कंडीशन ज्यादा ठीक नहीं थी, अनरिलायबल थी। लेकिन फिर भी ये लोग कोशिश करना चाहते थे। लेकिन अभी इन लोगों ने आधा ही रास्ता कवर किया था तभी इनकी गाड़ी खराब हो गई, और इनके पास गाड़ी रिपेयर कराने के लिए भी पैसे नहीं थे। अब इन दोनों को कुछ भी पता नहीं था कि अभी ये लोग क्या करेंगे। ये लोग बीच रास्ते में फंस चुके थे और उनको आगे का कोई भी रास्ता सूझ नहीं रहा था। और तब एमेंडा ने डिसाइड किया कि वो मदद मांगेगी अपनी बहन एना से, इसके अलावा उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था। अब इसने अपनी बहन से बात की, ये एक बहुत ही ऑकवर्ड कॉल थी। बहुत ज्यादा हेजिटेट होकर एमेंडा ने एना को फोन किया था, क्योंकि एना के साथ उसने जो कांड किया था उसको भूलना बहुत ज्यादा कठिन था। अब इसने एक बहुत ही ऑकवर्ड कन्वर्सेशन किया अपनी बहन के साथ फोन करने के बाद। इन दोनों बहनों ने कई सालों से एक दूसरे को देखा भी नहीं था। अब एमेंडा और एना ने बातचीत की। एना उस समय लैरी के साथ रह रही थी, यानी कि अपने बायोलॉजिकल पिता के साथ। अब एना ने एमेंडा से कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि हमारे पिता लैरी तुमको पिक करने के लिए आएंगे। एमेंडा मन मारकर इस बात के लिए एग्री हो गई। उसने कहा कि ठीक है, मैं इस चीज के लिए तैयार हूं। उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब जो लैरी था वो एना के साथ अमेंडा और जॉन को पिक करने के लिए पहुंचा। अब ये चारों वापस लैरी के घर की तरफ जा रहे थे। ये एक बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल कार राइड थी, क्योंकि अमेंडा ने ना तो अपने पिता को इतने सालों से देखा था, ना अपनी सिस्टर को देखा था, और इधर जो एना थी उसको भी अमेंडा को देखकर बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था। तो ये सारी चीजें इन सबके दिमाग में चल रही थी। इनके पिता ने इन दोनों को असॉल्ट किया था। ये सारी चीजें कुल मिलाकर जो सिचुएशन थी उसको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल बना रही थी। इसके अलावा जो एमेंडा और जॉन थे उन्होंने ड्रग्स नहीं लिए थे, उनको ड्रग्स की बहुत ही बुरी लत थी। अब उनके पास पैसे नहीं थे ड्रग्स खरीदने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं डोप सिक हो चुके थे। डोप सिक यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कि ड्रग्स लेते हैं और उनको ड्रग्स ना मिले तब उनकी कंडीशन जिस तरह की हो जाती है उसको कहा जाता है डोप सिक। तो ये दोनों बहुत ही बुरा महसूस कर रहे थे। फिलहाल ये लोग लैरी के उसी केबिन में पहुंच चुके थे। जब ये चारों वहां पर पहुंचे तो एमेंडा और जॉन उस केबिन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह गए, क्योंकि वो एक ढंग से बना हुआ केबिन भी नहीं था। वो बस एक शेड जैसी, एक शैक जैसी जगह थी, और जिस जगह पहुंचे थे वो जंगल के बीच का इलाका था। यानी कि बिल्कुल ही उजाड़, बिल्कुल ही बियाबान जंगल था, जिसमें दूर दूर तक कोई भी नहीं रहता था। उस जगह को हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा क्रीपी थी। यहां तक कि वहां पर फोन सिग्नल्स भी नहीं आते थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, पानी नहीं था, क्योंकि आप जंगल के बीच में रह रहे हो, पानी वगैरह जॉन कहीं से भर कर लाता था। अब स्पेशली जॉन बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा। उसको लग रहा था कि जल्दी से जल्दी हमें यहां से बाहर निकलना चाहिए और अपनी जो रोड ट्रिप है उसको एक बार फिर से कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन जॉन कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पास कोई भी पैसा नहीं था, कोई भी व्हीकल नहीं था, और वो इस तरह से मतलब अधिकार से पैसा नहीं मांग सकता था। तो एक तरह से जो एमेंडा और उसका बॉयफ्रेंड जॉन थे वो इस वुडन शैक में, इस जंगल में फंस चुके थे। और अब धीरे धीरे लैरी ने इन सबको मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। जो पहला हफ्ता था इनके आने के बाद वो तो ठीक ही बीता, इतना ज्यादा बुरा नहीं था।
अमेंडा और जॉन ज्यादातर अपना समय बिस्तर पर पड़े पड़े गुजारते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार महसूस कर रहे थे। उनको बहुत दिनों से ड्रग्स नहीं मिली थी, तो वो एक्सट्रीम विड्रॉल से गुजर रहे थे। उन्हें नौशिया होता रहता था, एग्जॉस्टेड फील करते थे, उनकी बॉडी में दर्द होता रहता था और उनको बिल्कुल भी भूख नहीं लगती थी। उनको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही थी, हेल्यूसिनेशंस हो रहे थे और उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन जो ऐना थी वो एक नर्स थी, तो वो दोनों की कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मदद कर रही थी। धीरे धीरे ऐना की मदद से ये अपने विड्रॉल से बाहर आ गए, इनकी कंडीशन बेटर होती चली गई। और जब इनकी कंडीशन बेटर हुई तब लैरी यानी कि ऐना और अमेंडा के पिता का बिहेवियर अपनी छोटी बेटी के प्रति बहुत ज्यादा चेंज होने लगा। उसका बिहेवियर अमेंडा के प्रति बहुत ज्यादा पजेसिव होता जा रहा था। वो उसके साथ इस तरह से बातचीत कर रहा था जैसे कि अमेंडा अभी भी एक छोटी बच्ची हो, उसी एज में हो जिस एज में वो इसको छोड़कर जेल गया था। वो उसके साथ बच्चों की तरह बात करता था, क्रीपी बेबी वॉइसेस में बात करता था, उसको क्रीपी निकनेम से बुलाता था जैसे कि माई प्रिंसेस, बेबी, क्यूटी, तो इस तरह के नामों से वो अमेंडा को बुलाने लगा था। उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा इनअप्रोप्रिएट लगने लगा था। लैरी अमेंडा के साथ बहुत ज्यादा समय बिताने लगा था। जहां जहां अमेंडा जाती थी पूरे घर में या पूरे शेड में वो उसको फॉलो करता रहता था, उसको हेल्प करने की कोशिश करता रहता था और लगातार हम कह सकते हैं कि उसके साथ चिपका रहता था। और ये सब कुछ देखकर जॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो अनॉइड फील कर रहा था। ये सारी चीजें उसको अच्छी नहीं लग रही थी। अब ये पता नहीं है कि जॉन को इस सारे केस के बारे में पता है या नहीं है कि जॉन ने इन दोनों लड़कियों को सेक्सुअली हरास किया था, इसके बारे में पता नहीं है। अगर ये पता ना भी हो तब भी उसका जो बिहेवियर था लैरी का वो बहुत ज्यादा खराब दिख रहा था। अगर किसी को पता नहीं होगा तब भी ये सारी चीजें उसको ऑकवर्ड लगेंगी। अब जॉन ने अमेंडा और लैरी के बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस बनाने की कोशिश की। एना को भी अपने पिता का व्यवहार साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने कई बार अमेंडा को समझाया भी कि तुम इस व्यक्ति से दूर रहो, तुम्हें याद ही होना चाहिए कि इसने हमारे साथ क्या किया था, लेकिन अमेंडा को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अभी भी वो डिनायल में जी रही थी, उसको कुछ भी याद नहीं था कि उसके पिता ने उसके साथ क्या किया था। लेकिन अमेंडा ने एक बार फिर से ऐना पर इल्जाम लगाया कि तुम झूठ बोल रही हो, हमारे पिता ने हमारे साथ कुछ भी नहीं किया था। और साथ ही ये भी कहा कि तुम जेलेस हो, तुम मुझसे जल रही हो क्योंकि मेरे पिता मुझे ज्यादा अटेंशन देते हैं। इधर जो लैरी था उसको अगर अपनी बेटी का फुल अटेंशन चाहिए था तो उसके लिए उसके पास एक आइडिया था। वो चाहता था कि अमेंडा एक बार फिर से ड्रग्स लेने लगे और अगर वो ड्रग्स लेगी तो वो मेरे ऊपर डिपेंड हो जाएगी। उसको ये ब्रिलियंट आइडिया आ चुका था। उसने डिसाइड किया कि वो खुद घर में ही मैथ बनाएगा। वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स खरीद कर लाया, उसने घर में ही मैथ बनाने की कोशिश की, लेकिन वो घर में मैथ बना नहीं पाया। जो कुछ भी उसने बनाया था वो कंप्लीट डिजास्टर था। अब वो समझ गया था कि घर में मैथ नहीं बना सकता। वो पास के टाउन में गया, वहां से वो मैथ खरीद कर लाया। ये ड्रग्स उसने अमेंडा को सप्लाई की और अमेंडा एक बार फिर से ड्रग्स लेने लगी। और इन ड्रग्स को पाकर अब अमेंडा बहुत ही ज्यादा खुश थी। अब वो अपने पिता के प्रति ज्यादा लॉयल होने लगी थी और अपने बॉयफ्रेंड को इग्नोर करने लगी थी। यहीं से ये केस बहुत ज्यादा एक सिक टर्न लेने लगता है और आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये केस किस तरफ जा रहा है। इसके अगले कुछ दिनों में लैरी अब अमेंडा को बहुत ज्यादा ब्रेन वॉश करने लगा। वो उसके प्रति बहुत ही क्रीपी बिहेवियर शो करने लगा, बहुत ज्यादा सजेस्टिव था उसका बिहेवियर। वो उसको लगातार टच करता रहता था, उसको स्ट्रोक करता रहता था, बहुत ही इनअप्रोप्रिएटली ये सारी चीजें चल रही थी। अमेंडा को वो बता रहा था कि तुम मेरी दुनिया का सेंटर हो, तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। अपना सारा अटेंशन वो अमेंडा को दे रहा था, वो बहुत ज्यादा टची हो रहा था उसके साथ और ये सब कुछ देखने में बहुत ही खराब लग रहा था। जॉन और एना ये सारी चीजें देख रहे थे और जॉन को ये देखकर बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। अब वो अमेंडा को उसके पिता से दूर रखने की लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन अमेंडा की अब सारी लॉयल्टी अपने पिता की तरफ थी क्योंकि उसे पता था कि अगर उसे ड्रग्स चाहिए तो वो उसका पिता ही लाकर देगा। अब इसका बॉयफ्रेंड क्योंकि हमेशा बीच में आ जाता था, इसलिए अमेंडा और लैरी यानी कि बाप बेटी दोनों कहीं जंगलों में चले जाते थे काफी लंबे समय के लिए, दोनों गायब हो जाते थे और आप समझ ही सकते हैं कि वो वहां पर क्या कर रहे होंगे। यानी कि इन दोनों के बीच में अब फुल ऑन रिलेशंस शुरू हो चुके थे। ये बार बार घर से गायब हो जाते थे और ये अब बहुत ज्यादा हो रहा था। और यहां पर मैं आप लोगों को इनकी एजेस बता दूं, जो लैरी था इस समय 55 ईयर्स ओल्ड था,
और अमेंडा इस समय 30 ईयर्स ओल्ड थी। इधर जो लैरी था उसने अपनी बेटी के दिमाग में बहुत सारी अजीब अजीब सी बातें भरनी शुरू कर दी थी। उसने इसको समझाना शुरू कर दिया था कि एक बाप बेटी के बीच में इस तरह के संबंध होना कोई भी खराब बात नहीं है, कुछ भी इनअप्रोप्रिएट नहीं है। इसने अमेंडा से कहा कि इस रिलेशनशिप के बाद जो बच्चे पैदा होंगे वो सुपर चिल्ड्रन होंगे, और ये सारी चीजें वो अमेंडा को समझा रहा था। और अमेंडा जो कि 30 ईयर्स ओल्ड थी वो ये सारी बातें मान भी रही थी। जॉन को भी ये सारी चीजें पता चल चुकी थी कि इनके बीच में कुछ ना कुछ खराब रिलेशनशिप चल रहे हैं, लेकिन जॉन ने साथ ही ये भी सेंस कर लिया था कि शायद आगे कुछ बहुत ही बड़ा कांड होने वाला है। पता नहीं कैसे लेकिन जॉन ने अपनी माँ के साथ कॉन्टेक्ट किया, उनसे बातचीत की। इस बातचीत में उसने अपनी माँ को बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जल्दी ही मरने वाला हूँ। इसकी माँ ने इन सारी चीजों को कम्प्लीटली डिसमिस कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सारी चीजें बस तुम्हें ऐसी लग रही हैं, ये ड्रग्स का असर है, जो ड्रग्स हैं वो तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रही हैं, ये सारी चीजें बिल्कुल नॉनसेंस हैं। लेकिन जो जॉन था पूरी तरह से कन्विंस्ड था कि वो जल्दी ही मारा जाने वाला है या उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। इधर जो लैरी और अमेंडा थे इन्होंने आपस में इंगेजमेंट कर ली थी, यानी कि लैरी ने अपनी ही बेटी को प्रपोज कर दिया था और उसकी बेटी ने हाँ भी कर दी थी। अब ये दोनों मिलकर जॉन को बीच में से हटाना चाहते थे। अब ये उसको क्यों बीच में से हटाना चाहते थे इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये जॉन से कह सकते थे कि तुम यहां से चले जाओ, हमारे बीच में ये सब कुछ है, या नहीं भी कहते, उससे अमेंडा सीधे सीधे ब्रेकअप कर सकती थी। लेकिन ये लोग नॉर्मल लोग रही थे और इस केस में कुछ भी नॉर्मली होने वाला नहीं था। जॉन ने अपनी माँ को 13 फरवरी को फोन किया था। अब 14 फरवरी का दिन आ चुका था। इस दिन अमेंडा और लैरी कुछ अनइमेजिनेबल करने वाले थे जॉन के साथ। 14 फरवरी के दिन लैरी ने डिसाइड किया कि अपनी फियोंसे के लिए वो कुछ स्पेशल करेगा, उसके लिए एक नाइस रोमांटिक मील तैयार करेगा, क्योंकि इन दोनों का पहला वैलेंटाइन डे होने वाला था, यानी कि बाप बेटी का। उसने मील तैयार किया, सब लोगों ने बैठकर खाना खाया, और उसके बाद जॉन ने एक वाइन की बॉटल निकाली और ये चारों बैठकर वहां पर वाइन पीने लगे। धीरे धीरे सभी लोग काफी ज्यादा ड्रंक होते जा रहे थे, और जब उनको पीते पीते करीब 2 घंटे बीत चुके थे तब लैरी ने अचानक से ही कहा कि हम लोग एक गेम खेलते हैं, एक छोटा सा गेम। उसने कहा कि इस गेम का नाम है ट्रस्ट गेम। लैरी ने बताया कि इस गेम के दौरान हम किसी एक व्यक्ति को रस्सियों से बांध देंगे और उसके बाद उस व्यक्ति को खुद ही रस्सियां ढीली करके उस पकड़ में से, उन रस्सियों में से निकलना है। लैरी ने कहा कि खुद ही जो इंटरेस्टेड हो वो पहले सामने आए, पहले हम उसके साथ ही इस गेम को शुरू करेंगे। इस समय तक सबको अच्छा खासा नशा होने लगा था। अब लैरी ने एक वॉलंटियर का नाम मांगा जो कि सामने आएगा बंधने के लिए। इन सब में से लैरी ने ऑब्वियसली जॉन को चुना, यानी कि जॉन को सबसे पहले रस्सियों से बांधा जाना था और उसके बाद वो खुद ही उन रस्सियों से निकलने की कोशिश करता। जॉन को उसने फर्श पर लिटा दिया, उसने उसके पैर आपस में बांधे, पंजे बांधे, कलाइयां बांधी, उसकी बाहें बांधी, और उसके बाद फाइनली उसने उसके हाथों और पैरों को भी आपस में बांध दिया पीछे की तरफ। तो इस तरह से उसने बुरी तरीके से जॉन को बांध दिया था और जॉन फर्श पर पड़ा था। अब जॉन इन रस्सियों से निकलने की कोशिश कर रहा था और जो बाकी तीनों लोग थे वो हंस रहे थे, उससे जोक कर रहे थे। जॉन और एना को ऐसा लग रहा था कि शायद ये गेम ही चल रहा है, लेकिन अब जॉन को गुस्सा आने लगा था। अब उसको ये गेम बिल्कुल भी फनी नहीं लग रहा था। अब उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि मुझे खोल दो, मुझे अनटाई कर दो, मैं इस गेम को नहीं खेलना चाहता। लेकिन हर किसी ने उसे इग्नोर कर दिया, हर किसी ने, यानी कि लैरी ने भी, एना ने भी और अमेंडा ने भी। तभी अचानक, जबकि जॉन अभी बंधा हुआ फर्श पर पड़ा था, अमेंडा ने वाइन की बोतल उठाई, उसके बाद सीधा वो जॉन के पास गई और जॉन के सिर पर उसने बोतल तोड़ दी। जब अमेंडा ये सब कुछ कर रही थी तब एना वहीं पर मौजूद थी। वो इस प्लानिंग में कितनी इन्वॉल्व थी इसके बारे में भी आज तक पता नहीं है, लेकिन कम से कम उसने रोकने की कोशिश वहां पर नहीं की थी। लैरी और अमेंडा ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह से वाइन की बोतल मारने के बाद जॉन वहीं पर ढेर हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, लेकिन वो तब आश्चर्यचकित रह गए जबकि ऐसा नहीं हुआ। जॉन अभी भी अपने होश में था लेकिन वो थोड़ा सा डेज्ड और कंफ्यूज्ड महसूस कर रहा था। जब लैरी ने देखा तो वो और ज्यादा रस्सियां लेकर आया और उसने जॉन को और ज्यादा बांधना शुरू कर दिया।
यहां तक कि उसने जॉन के गले पर भी इस तरह से रस्सी बांधी कि अगर जॉन ज्यादा हिलने डुलने की कोशिश करता तो वो खुद को ही स्ट्रैंगल कर लेता। जो ऐना थी वो वहीं पर खड़ी हुई थी और आश्चर्य से ये सब कुछ देख रही थी। उसको कोई भी आइडिया नहीं था कि यहां पर चल क्या रहा है। लैरी और अमेंडा वहीं पर पड़े एक सोफे पर बैठ चुके थे। अब अगले कुछ घंटों तक वो लगातार जॉन के ऊपर चीखते चिल्लाते रहे, उसे धमकियां देते रहे। वो कह रहे थे कि हम तुम्हें बुरी तरीके से टॉर्चर करेंगे, तुम्हारे जिंदा रहते ही तुम्हारे हाथ पैर काटकर अलग कर देंगे, और जब हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होते हुए तुम देखोगे। अब जॉन ऑब्वियसली इस समय बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। उसे पता था कि ये लोग मजाक नहीं कर रहे हैं और कोई भी गेम नहीं चल रहा है। अमेंडा और लैरी दोनों ने ही ड्रग्स ली हुई थी, उनको बहुत ज्यादा डेल्यूजन्स हो रहे थे। उन्होंने अपने दिमाग में ये धारणा बना ली थी कि जो जॉन है वो असल में एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है, और ये बात वो बार बार जॉन से कह भी रहे थे। वो जॉन से कह रहे थे कि हमें पता है कि तुम पुलिस ऑफिसर हो, तुम यहां पर हमें अरेस्ट करने के लिए आए हो और हमको फंसाने के लिए आए हो। जॉन बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। उसने कहा कि नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं कोई अंडरकवर पुलिस ऑफिसर नहीं हूं, मैं तुम्हें अरेस्ट करने नहीं आया हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जॉन लगातार प्रूव करने की कोशिश कर रहा था कि वो ऐसा नहीं है, यानी कि कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है। वो उनको अपना पूरा नाम बता रहा था, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता रहा था, सोशल सिक्योरिटी नंबर बता रहा था, लेकिन ये दोनों बाप बेटी लगातार उस पर एक्यूजेशन लगा रहे थे कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। तो ये सारी चीजें पूरी रात चलती रही, और उसके बाद करीब नेक्स्ट 24 आवर्स तक जॉन वहीं पर जमीन पर बंधा हुआ पड़ा रहा। लैरी और अमेंडा लगातार जॉन को टॉर्चर कर रहे थे। लैरी ने इसके बाद जॉन से कहा कि मैं तुम्हें एक इंजेक्शन लगाने वाला हूं, ये एक ट्रुथ सीरम का इंजेक्शन होगा, इसको लगाने के बाद तुम केवल सच बोलोगे, तुम खुद ही कन्फेस कर लोगे कि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो। हालांकि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं था, क्योंकि लैरी के पास कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं था, यानी कि कोई भी ट्रुथ सीरम नहीं था। तब लैरी ने डिसाइड किया कि वो जॉन को लिक्विड मैथ का इंजेक्शन लगाएगा। और इसी दौरान इस टॉर्चर में एंट्री होती है बड़ी बहन ऐना की, यानी कि कहीं ना कहीं अब वो इस टॉर्चर में पार्टिसिपेट करने वाली थी। लैरी ने ऐना को मजबूर किया, उसे कन्विंस किया कि तुम इसको इंजेक्शन लगाओ, क्योंकि वो एक नर्स थी। ऐसा बताया जाता है कि उस समय लैरी ने एना को धमकाया भी। उसने कहा कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे बच्चों को ढूंढ निकालूंगा और उनको एक एक करके मार डालूंगा। और यहां पर आपको याद रखना होगा कि जो एना के बच्चे थे वो इसके भी ग्रैंड चिल्ड्रन थे, लेकिन लैरी को इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं था। एना ने वो इंजेक्शन जॉन को लगा दिया। एना ने अच्छी खासी मात्रा में मैथ इंजेक्ट कर दिया था। इसके बाद लगातार जो एमेंडा और लैरी थे वो जॉन से पूछताछ कर रहे थे कि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो या नहीं हो, सच बोलो सच बोलो। कई घंटे गुजर चुके थे। एना एक के बाद एक जॉन को इंजेक्शन देती चली जा रही थी। कुछ घंटों के गैप पर जो मैथ था, जितने अमाउंट में दिया जा रहा था उससे जॉन को बहुत पहले बेहोश हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि जॉन कई सालों से मैथ ले रहा था इसीलिए इतना ज्यादा मैथ उसके ऊपर असर कर ही नहीं रहा था। आश्चर्यजनक रूप से अगले 3 दिनों तक ये टॉर्चर चलता रहा, और पता नहीं कैसे जॉन इतने समय तक होल्ड कर पा रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके गले के चारों ओर भी रस्सी बंधी हुई थी, और अगर वो लेटता या थोड़ा सा भी आराम करता तो वो रस्सी खिंच जाती और वो खुद को ही मार डालता। तो इसी कारण से वो एक सेकंड के लिए भी रेस्ट नहीं कर पा रहा था, लेट नहीं पा रहा था, किसी तरीके से उस फर्श पर बैठा हुआ था पूरे 3 दिनों से। ना तो वो सोया था, ना उसको कोई खाना दिया गया था, ना पानी दिया गया था। इन 3 दिनों में बारी बारी से एमेंडा और लैरी उसको बुरी तरीके से पीट भी रहे थे, उसको लाते मार रहे थे, उसके ऊपर पंचेज मार रहे थे, और उसको बहुत डिफरेंट चीजों से अब्यूज कर रहे थे। इधर जो ऐना थी वो लगातार उसको इंजेक्शंस लगाती जा रही थी। जॉन लगातार इनसे दया की भीख मांग रहा था, लेकिन इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इसके बाद अचानक ही 3 दिन के बाद जॉन के अंदर, क्योंकि इतना सारा मैथ इंजेक्ट किया जा चुका था, उससे इसके अंदर एड्रिलिन रश पैदा हुआ। ये जो मैथ होती है इससे कई बार इनह्यूमेन ताकत आ जाती है किसी इंसान के अंदर। अब जॉन वहां पर बुरी तरीके से चीखने चिल्लाने लगा, अपनी रस्सियां तोड़ने की कोशिश करने लगा। लैरी को लगने लगा कि शायद वो इन रस्सियों को सच में तोड़ देगा और हम इससे जीत नहीं पाएंगे। लैरी बहुत ज्यादा घबरा चुका था,
उसने एक टेरिबल डिसीजन लिया। उसने एना को यानी कि बड़ी बेटी को ऑर्डर दिया कि तुम जॉन के पास जाओ और अपने हाथों से इसका गला दबा दो। एना पता नहीं क्यों लेकिन ऐसा करने भी लगी। वो जब पास में गई तो जॉन ने बचाव की बहुत ज्यादा कोशिश की। वैसे भी बहुत ज्यादा एड्रेनलिन रश हो रहा था उसके अंदर। उसने इसको लाते वगैरह मारनी शुरू कर दी, हिलना शुरू कर दिया। अब लैरी ने अमेंडा को ऑर्डर दिया कि तुम इसके पास जाओ और इसके गले में जो रस्सी बंधी है उसको जोर जोर से खींचना शुरू कर दो इसको मारने के लिए। तो अब दोनों बहनें मिलकर इसको स्ट्रैंगल करने लगी। लेकिन जॉन इन दोनों से भी बुरी तरीके से लड़ रहा था, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। और तब फाइनली लैरी ने इनको ज्वाइन किया। वो जॉन की पीठ के ऊपर खड़ा हो गया और जॉन की पीठ के ऊपर खड़ा होकर वो जोर जोर से कूदने लगा। अमेंडा एक कपड़ा लेकर आई और जॉन के मुंह में उसने वो कपड़ा ठूस दिया। और उसके बाद वो एक पिलो लेकर आई और बुरी तरीके से इस पिलो से उसका मुंह दबाने लगी। इधर जो ऐना थी उसके हाथ अभी भी जॉन की गर्दन पर थे और वो पूरी ताकत से जॉन की गर्दन को दबा रही थी। और फाइनली ये तीनों मिलकर जॉन के ऊपर हावी हो गए। जॉन अब फाइट बैक और ज्यादा नहीं कर पाया। उसने धीरे धीरे चेतना खोना शुरू कर दिया। फाइनली उसने हिलना डुलना पूरी तरह से बंद कर दिया। कुछ मिनट्स के बाद ही 38 ईयर्स ओल्ड जॉन की मौत हो चुकी थी। जॉन की मौत के बाद कई घंटों तक लैरी ने उसकी बॉडी को वहीं पर रखा ताकि ये कंफर्म हो सके कि जॉन वाकई में मारा गया है। इसके बाद लैरी ने ऑर्डर दिया एना और अमेंडा को कि जॉन की बॉडी से सारी की सारी रस्सियां खोलकर हटा दो। और उसके बाद इसने ये भी ऑर्डर दिया कि इसकी बॉडी को बैकयार्ड में दफना दो। अब पता नहीं क्यों लेकिन ये दोनों ही इसके ऑर्डर को फॉलो कर रही थी ब्लाइंडली। अमेंडा का तो कुछ हद तक समझ में भी आता है लेकिन एना ऐसा क्यों कर रही थी इसका कोई भी स्पष्ट रीजन नहीं है। जॉन की बॉडी को दफनाने के बाद अमेंडा को पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मुझे जॉन के फेसबुक पर कुछ पोस्ट करना चाहिए। ये सारी चीजें उसको काफी फनी लग रही थी। उसने कुछ रैंडम चीजें लिखी वहां पर जैसे कि यू ऑल आर बिचेस जस्ट लाइक फायरफॉक्स एंड यू विल ऑल एंड अप द सेम वे। हा। अब लोगों ने ये चीजें देखी, लोगों ने इग्नोर कर दी लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि जॉन ऐसी पोस्ट क्यों कर रहा है। इन चीजों का कोई सेंस भी नहीं निकल रहा था। ये जो पोस्ट है ये आज भी जॉन के फेसबुक पर प्रेजेंट है। इधर जो लैरी और अमेंडा थे इन्होंने अपने रिलेशनशिप कंटिन्यूड रखे। इनके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बन रहे थे लगातार। और जिस दिन इन्होंने जॉन को मारा इस दिन भी इन लोगों के बीच में संबंध बने थे। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे ये चीजें और ज्यादा सिक और ज्यादा डिसगस्टिंग होती जा रही थी। अब लैरी एना को भी चाहता था कि वो इन दोनों को ज्वाइन करे। अब पता नहीं एना ने कितना पार्टिसिपेट किया लेकिन इतनी जानकारी है कि वो थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट कर रही थी। कम से कम वो उसी रूम में मौजूद होती थी जहां पर लैरी और अमेंडा होते थे। जॉन को मारने के कुछ समय के बाद अमेंडा और लैरी ने अपने फ्यूचर को प्लान करना शुरू कर दिया। वो एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से कमिटेड हो चुके थे। इधर जो अमेंडा थी वो लगातार जॉन के डिसेबिलिटी चेक्स को कैश करती जा रही थी। हो सकता है कि जॉन को कुछ डिसेबिलिटी हो जिसके लिए उसको पैसा मिलता हो, ये क्लियर नहीं है, लेकिन इन चेक्स को अमेंडा कैश कर रही थी। फिर कुछ समय के बाद अचानक से अमेंडा बहुत ज्यादा पैरानॉइड हो गई कि जो जॉन है वो अभी भी जिंदा है। शायद वो बहुत ज्यादा ड्रग्स ले रही थी इस कारण ऐसा हुआ होगा। लेकिन उसको मारने के 6 दिनों के बाद अमेंडा ने अपने आप को कन्विंस कर लिया था कि किसी तरीके से जॉन जिंदा हो गया है और अपनी कब्र पर से मिट्टी हटाकर वो यहां से भाग गया है। उसने सारी बात लैरी को बताई। लैरी ने जबरदस्ती एना को मजबूर किया कि तुम जॉन की बॉडी को थोड़ा सा मिट्टी हटाकर चेक करो कि उसकी बॉडी वहां पर मौजूद है या नहीं है। एना ने ऐसे ही किया। इधर जो लैरी था वो स्लेज हैमर लेकर आया, बड़े बड़े मेटल स्पाइक्स लेकर आया और उसके बाद उसने जॉन की बॉडी पर जगह जगह उन मेटल स्पाइक से वार किए, उसकी बॉडी के आर पार किया ये श्योर करने के लिए कि वो जीवित नहीं है। हालांकि वो 6 दिनों से कब्र के अंदर दफन था, उसके बाद भी वो उसके अंदर रॉड वो स्पाइक्स आर पार कर रहा था। यहां तक कि लैरी ने वो जो मेटल स्पाइक्स थे वो जॉन के प्राइवेट पार्ट्स के भी आर पार किए केवल फन के लिए। इसके बाद 2 हफ्ते और बीत गए। जॉन की फिलहाल कोई भी खोज नहीं कर रहा था। अब जो लैरी और अमेंडा थे इन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग शादी करेंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत ही नॉनसेंस बात थी क्योंकि इस स्टेट में जहां पर वो रहते थे या मेरे ख्याल से पूरे अमेरिका में ही
फादर डॉटर की जो मैरिज है वो इलीगल है, लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा सीरियस थे। ये लोग वर्जीनिया गए यानी कि दूसरे स्टेट में गए, रजिस्ट्री ऑफिस में पहुंचे, इन्होंने एक मैरिज लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। इधर जो एना थी वो यहां पर विटनेस का रोल प्ले करने के लिए मौजूद थी यानी कि गवाह बनी हुई थी। पहले इन दोनों ने एक चर्च में जाकर शादी की, उसके बाद अमेंडा ने एक फेक सरनेम यूज करके अपने पिता के साथ बाकायदा लाइसेंस शुदा शादी की। इसमें उसने अपने बायोलॉजिकल फादर का नेम कुछ अलग लिखवाया था ताकि ये इस झूठ को छुपा सके। हालांकि ये जो मैरिज थी वो नल एंड वॉइड थी क्योंकि इन्होंने झूठ बोलकर की थी, लेकिन फिलहाल इन लोगों की शादी हो चुकी थी। शादी करके तीनों के तीनों घर पहुंचे, सेलिब्रेट करना चाहते थे अब ये लोग, तो इसके लिए इन्होंने जॉन की बॉडी को वापस खोदकर बाहर निकाला उसी दिन जिस दिन इनकी शादी हुई थी। इन्होंने इसके लिए एना को ऑर्डर दिया कि तुम जाओ और जॉन की बॉडी को खोदकर बाहर निकालकर लाओ। इसके बाद इन तीनों ने एक्स ली और जॉन की बॉडी को पूरी तरह से काटकर उसका हर एक अंग अलग अलग कर दिया। इसके बाद इन्होंने डिफरेंट बैग्स में उन अंगों को लपेटा और दूर जाकर अलग अलग जगहों पर उसको दफना दिया। इसके बाद 3 महीने बीत गए। जो लैरी और अमेंडा थे वो अब उसी घर में रह रहे थे, अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे थे। और पता नहीं क्यों, एक बार फिर से पता नहीं क्यों आ चुका है इस केस में कि एना भी उसी घर में मौजूद थी, ये सब कुछ विटनेस कर रही थी। इधर जो अमेंडा और लैरी थे वो टीनेजर्स की तरह बिहेव कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा खुश थे, हर जगह एक साथ जा रहे थे, और ये सारी जिंदगी इन तीनों की चलती जा रही थी। अब एना ने अपने परिवार को इतने महीनों से छोड़ा हुआ था, वो ऐसा क्यों कर रही थी, उसने अपनी फैमिली को क्या एक्सक्यूज दिया था, इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। अब जून 2019 का समय आ चुका था, मर्डर किए हुए भी 3 मंथ्स हो चुके थे और फाइनली अब जॉन की फैमिली ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई। इतनी देर इसलिए लगी इनकी फैमिली को क्योंकि जॉन अक्सर इस तरह का बिहेवियर शो करता था, वो कई बार गायब हो जाता था और उसके बाद वापस आ जाता था, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ था। उसने मदर्स डे के दिन भी अपनी मदर को कॉन्टेक्ट नहीं किया था, वो कभी भी अपने बच्चों के बर्थडेज मिस नहीं करता था, लेकिन इस बार उसकी बेटी का 16th बर्थडे था और इस बर्थडे पर जॉन ने उनसे कांटेक्ट नहीं किया था। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अलार्मिंग थी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करा दी गई और अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। अब इन्वेस्टिगेटर्स को सबसे पहले अमेंडा से कांटेक्ट करना चाहिए था क्योंकि सभी को पता था कि अमेंडा उसकी गर्लफ्रेंड है, उसकी फियोन्से भी है, लेकिन पता नहीं क्यों पुलिस ने उससे कॉन्टेक्ट नहीं किया। इधर जो लैरी, अमेंडा और एना थे उनको ऐसा लग रहा था कि वो मर्डर करके बच चुके हैं और अब लैरी ने नए फ्यूचर प्लान्स बनाने शुरू कर दिए थे। वो एक नई जिंदगी शुरू करना चाह रहा था, उसको इस इन्वेस्टिगेशन की कोई जानकारी नहीं थी, वो अपनी नई लाइफ एक न्यू स्टेट में स्टार्ट करना चाहता था। इसके लिए उसने केंटकी में जमीन खरीदी, एक नए घर का कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दिया। अब ये लोग केंटकी में ही रह रहे थे, अपना घर बनवा रहे थे। लैरी अमेंडा से सबको इंट्रोड्यूस करता था कि मिलो ये मेरी न्यू वाइफ है, बड़े गर्व से उसको अपनी वाइफ बताया करता। इसने अमेंडा को एक नया नाम दे दिया था और ये नाम था ब्रिटनी, क्योंकि इसे पता था कि अगर ये इसके ओरिजिनल नाम से बुलाएगा तो कहीं ना कहीं ये फंस जाएगा कि इसने अपनी खुद की बेटी से शादी की है। और अब जो लैरी था वो एक नई चीज की शुरुआत करना चाहता था और वो एक नया बिजनेस था उसके अकॉर्डिंग, और ये जो नया बिजनेस था ये होने वाला था चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग का। वो खुद एक पीडोफाइल रह चुका था, शायद उसे इन सारी चीजों में अभी भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो वो इसी से रिलेटेड अब बिजनेस शुरू करने वाला था। उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, उसे लग रहा था कि मैं मर्डर करके बच गया हूं, मैंने नाम बदलकर अपनी बेटी से शादी कर ली है और मैं अब कुछ भी करूं मैं उससे भी बच जाऊंगा। अब लैरी ने एक बहुत ही सिक और एक बहुत ही डिस्टर्बिंग प्लान बनाया। अब लैरी क्योंकि करीब 20 साल जेल में बिता कर आया था, उसने बहुत सारे वहां पर फ्रेंड्स बनाए थे जो कि ज्यादातर पीडोफाइल्स थे, क्योंकि जेल में भी इन लोगों को कोई पसंद नहीं करता है जो बच्चों के साथ क्राइम करें, तो इनका खुद का एक ग्रुप बन जाता है। जब ये लोग ग्रुप बनाकर साथ में थे तब इसने और बाकी लोगों ने भी एक दूसरे के इंटरेस्ट पूछे थे कि उन्हें क्या पसंद है बच्चों के साथ करना, तो इसको पता था कि जो बाकी इसके ग्रुप के लोग हैं वो क्या करना पसंद करते हैं बच्चों के साथ। तो इसके लिए अब वो बच्चों को किडनैप करने वाला था और बच्चों के साथ लोगों को बुलाकर गलत काम करवाने वाला था पैसों के बदले। उसका ये प्लान था कि वो सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर को चेक करेगा, फिर वो जितने भी पीडोफाइल्स हैं उनसे कांटेक्ट करेगा, उनको ललचाएगा बच्चों के साथ ये सब कुछ करने का ऑफर देकर, वो रिफ्यूज भी नहीं कर पाएंगे
क्योंकि उनको तो इस तरह की बीमारी है बच्चों के साथ ये सब कुछ करने की, वो उनकी फैंटेसीज को पूरा करेगा और उसके बदले उसको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। उसे पता था कि जितने भी लोग यहाँ पर विजिट करने के लिए आएंगे वो कभी भी इसकी शिकायत नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो इलीगल है, तो वो खुद भी फंस जाएंगे। अभी वो इस प्लान के बारे में सोच ही रहा था, लेकिन इससे पहले ही कुछ और होने वाला था। फिलहाल वो केंटकी में रह रहा था अपनी बेटी, हम कह सकते हैं पत्नी, अमेंडा के साथ। इधर जो ऐना थी वो यहां से निकल गई थी, शायद अपने घर वापस लौट गई थी, लेकिन इसके बाद भी उसने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की थी। यहां पर मैं ये इसलिए बोल रही हूं क्योंकि अगर अभी तक उसको ये धमकी दी गई थी कि उसके बच्चों को ये मार डालेगा, तो फिलहाल उसके पास ये मौका था कि पुलिस प्रोटेक्शन की मांग करती और इसकी कंप्लेंट करती। लेकिन इसने अभी भी कुछ नहीं किया था। इसका मतलब ये था कि इसको कोई भी परवाह नहीं थी कि उसका पिता लैरी क्या कर रहा है और फ्यूचर में क्या प्लान कर रहा है। इधर जो जॉन था, उसका जो मिसिंग पर्सन केस था, वो पूरी तरह से कोल्ड हो चुका था। पुलिस को उसमें कोई भी सफलता मिली ही नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कोई जांच ढंग से की ही नहीं थी। इधर कुछ और होने वाला था। लैरी, जैसा कि मैंने बताया कि वो सेक्स ऑफेंडर्स के रजिस्टर्ड में रजिस्टर्ड था, जब भी उसको अपना एड्रेस चेंज करना था तो उसे पुलिस को इन्फॉर्म करना था, ये वहां का नियम है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था, इसीलिए पुलिस ने उसको ढूंढ कर निकाला, उसको अरेस्ट किया और उसको जेल में डाल दिया गया। पुलिस को अभी भी हत्या के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। लेकिन जब लैरी को गिरफ्तार किया गया तो जो अमेंडा थी वो बहुत ज्यादा डर गई, और इतना ज्यादा डर गई कि वो लैरी से मिलने जेल में भी नहीं गई। उसको ऐसा लग रहा था कि कहीं हत्या वाली बात भी ना खुल जाए। इधर जो लैरी था वो ये चाहता था कि उसका अमेंडा के ऊपर फुल कंट्रोल रहे। उसने अमेंडा को पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया था। लेकिन जब लैरी ने ये देखा कि अमेंडा उससे मिलने जेल में नहीं आ रही है, तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो पूरी तरह से पैरानॉइड भी हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि जो वेस्ट वर्जीनिया में उसकी प्रॉपर्टी है, यानी कि जंगल के बीच में जो उसका केबिन है, वहां पुलिस जाए, आसपास खोजबीन करे, तो हो सकता है जॉन की बॉडी उन्हें मिल जाए। लेकिन जॉन ऐसा होना नहीं दे सकता था। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं जल्दी ही फंस जाऊंगा, लेकिन अगर मैं फंसूंगा तो मेरी दोनों बेटियों को भी फंसना चाहिए और उनको भी मेरे साथ जेल में मौजूद होना चाहिए। लेकिन फिलहाल पुलिस को अभी उसके ऊपर कोई भी शक नहीं था। एक दिन खुद ही लैरी ने पुलिस वार्डन को बुलवाया। उसने इससे कहा कि मुझे एक डिटेक्टिव से बातचीत करनी है और मुझे एक मर्डर को कन्फेस करना है। अब डिटेक्टिव वहां पर आया और लैरी ने जॉन के मर्डर के बारे में उसको सब कुछ बता दिया, सब कुछ कन्फेस कर दिया, और साथ ही ये भी बताया कि मेरी दोनों बेटियों ने इस मर्डर में मेरा साथ दिया है। इसके बाद लैरी ने उसको ये भी बताया कि मैंने अपनी ही एक बेटी से शादी की है, और बाकी चीजें भी खुलकर उसको बता दी। इसके बाद 24 सितंबर का दिन आया। इस दिन जॉन मैकग्वायर की बॉडी को, उसके सारे रिमेन्स को खोज निकाला गया। अभी तक उसकी डेथ हुए 7 मंथ्स हो चुके थे। अब जॉन की फैमिली को इन्फॉर्म किया गया, वो लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड थे, बहुत ही ज्यादा दुखी थे। जब उनको बताया गया कि किस तरह से जॉन का मर्डर किया गया, तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड रह गए थे। अब एना और अमेंडा दोनों को ही अरेस्ट कर लिया गया जॉन के मर्डर के लिए। और ये अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्य की बात है कि लैरी ने बिना किसी कारण के, पता नहीं क्यों, एक बार फिर से पता नहीं क्यों आता है इस केस में, लेकिन उसने सब कुछ कन्फेस कर लिया था। अगर वो कन्फेस ना करता तो शायद वो इस केस से भी निकल जाता, यानी कि उसके ऊपर मर्डर के चार्जेस ना लगते। लैरी ने अपनी अरेस्ट के बाद कोर्ट को एक कन्फेशन लिखा। इसमें इसने लिखा कि मैं बूढ़ा हूं, मैं बीमार हूं, और अब मैं इन सारी चीजों को ओवर करना चाहता हूं। मैं कोई ट्रायल नहीं चाहता, मैं टैक्स पेयर्स के पैसों को बर्बाद नहीं करना चाहता, इसके लिए मैं गिल्टी प्लीड करता हूं फर्स्ट डिग्री मर्डर के लिए। इधर जो एना और अमेंडा थे, इनके ऊपर भी फर्स्ट डिग्री मर्डर के चार्जेस लगाए गए, लेकिन इन दोनों ने ही एक प्ली डील को एक्सेप्ट कर लिया। इस प्ली डील को एक्सेप्ट करने के बदले इनके ऊपर सेकेंड डिग्री मर्डर के चार्जेस लगाए गए, और अब क्योंकि कोई ट्रायल नहीं होना था, इसके लिए अब सिर्फ एक सेंटेंसिंग हियरिंग होनी थी जिसमें फैसला सुनाया जाना था। इस सेंटेंसिंग हियरिंग में इन तीनों को बोलने का मौका दिया गया। ये तीनों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते रहे, किसी ने भी अपनी गलती स्वीकार नहीं की थी, किसी ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। एना ने इतना बताया कि हाँ, मैंने जॉन के गले को दबाया था। लैरी ने इस हियरिंग में कहा कि जो अमेंडा है वो इन सबकी रिंग लीडर थी, यानी कि वो ही सबको कमांड दे रही थी, और ये सब कुछ उसी ने करवाया है,
और साथ ही उसने अमेंडा के लिए कहा कि वो फीमेल चार्ल्स मैनसन है। चार्ल्स मैनसन की स्टोरी मैं अपने चैनल पर सुना चुकी हूँ और वो एक बहुत ही ज्यादा ग्रूसम स्टोरी है, आप उस स्टोरी को भी जरूर सुनिएगा। लैरी ने कोर्ट में यह भी कहा कि अमेंडा ही उस पर डोरे डाल रही थी, यानी कि अपने पिता पर डोरे डाल रही थी, वो उससे प्यार करने लगी थी और वो ही चाहती थी कि उसके बॉयफ्रेंड को मार डाला जाए, और इसके लिए लैरी ने तो बस उसकी हेल्प की थी अपनी फादरली ड्यूटीज निभाने के लिए। इधर अमेंडा ने कहा कि जो लैरी है यानी कि उसका पिता, उसने उसका फायदा उठाया है, वो चाहता था कि अमेंडा बस उसकी होकर रहे, उसी ने मुझे जॉन को मारने के लिए मैनिपुलेट किया है। इधर इस हियरिंग में जो जॉन की माँ थी कैरन, उन्होंने एक बहुत ही इमोशनल टेस्टिमनी दी। उन्होंने इन सबसे कहा कि तुम सबके सब बहुत ही गिरे हुए इंसान हो और साथ ही इन सबको काफी बुरा भला कहा। फिलहाल अब इन तीनों को सजा सुनाई गई। लैरी को लाइफ इन प्रिजन की सजा सुनाई गई, यानी कि उम्र कैद दी गई जिसमें परोल की कोई गुंजाइश नहीं थी। इधर जो अमेंडा और एना थी, इन दोनों को ही 40-40 सालों की सजा मिली। तो फिलहाल ये तीनों अपनी अपनी सजाएं काट रहे हैं, लेकिन ये कहना पूरी तरह से गलत है कि इनके फादर ने इनको मैनिपुलेट किया, इनका ब्रेन वॉश किया, क्योंकि ये दोनों ही कोई बच्चियां नहीं थी, अच्छी खासी एडल्ट्स थी। साथ ही मुझे एना का रोल इस स्टोरी में बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। पहले तो अपने फादर के पास रहने के लिए चली गई, फिर उसने अमेंडा को भी मजबूर किया कि तुम भी फादर के साथ रहने के लिए आओ। जब उसने इससे हेल्प मांगी, वो उसको हेल्प के लिए डिनाई कर सकती थी, ना करती उसकी हेल्प, लेकिन वो जबरदस्ती अमेंडा को वहीं उस केबिन में लेकर आई। फिर उसने जॉन को इंजेक्शंस लगाए, ऐसा कहा जाता है कि डर के कारण, लेकिन ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। फिर उसने जॉन को मारा भी, उसकी लाश भी खोद खोद कर निकाली उसने दो दो बार इनके कहने पर, फिर बिना किसी कारण के कई महीनों तक इनके साथ रही। जब इन लोगों ने केंटकी शिफ्ट किया तब भी इनके साथ चली गई, जब वहां से वापस अपने घर गई तो तब भी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। तो इस तरह से एना का रोल तो मुझे बिल्कुल भी समझ में आया ही नहीं। वो चाहती तो इन सब चीजों से किनारा कर सकती थी, उसका इनसे कोई भी लेना देना नहीं होता, उसका एक नॉर्मल जीवन बीत रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसने ऐसा सब कुछ किया। तो पता नहीं क्यों के कोई भी आंसर्स नहीं है, आज तक नहीं मिले हैं, क्योंकि कोई ट्रायल हुआ ही नहीं, तो इनकी जो मेंटल स्टेट थी वो सामने निकल कर आ ही नहीं पाई। हो सकता है कि ये खुद ही कभी कन्फेस करें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी, और प्लीज स्टोरी को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके लिए इतनी लंबी स्टोरी लेकर आई हूँ, मैंने दो पार्ट्स में नहीं बनाई है, क्योंकि काफी सारे लोगों को शिकायत होती है दो पार्ट्स बनाने के लिए। लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है कि थोड़ा सा स्टोरी को शेयर भी करें, ताकि स्टोरी की रीच बढ़ जाए, ताकि मैं आगे भी लंबी लंबी कहानियां आपके लिए लाती रहूं। और प्लीज एक एक अच्छा अच्छा कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।